सुनने वालों सुनो, ऐसा भी होता है बड़ा होता है जो वो शादी भी करता है, पर ऐसा जो करता है खुश होकर भी रोता है। आओ तुम भी आज सुन लो, दास्तां है ये कि एक था नौजवान जो दिल ही दिल में छा रहा था शादी का लड्डू खाना। वो हसीना थी कि जिसकी खूबसूरती का अंकलेश्वर में था मशहूर अफसाना। दोनों की ये कहानी है जिसको सभी कहते हैं निकी निकी। की थी ये आरज़ू, उसकी थी ये ही जुस्तजू, निकिता में ही उसको मिले खाने पकाने के सारे गुण। निखिल की थी ये आरज़ू, उसकी थी ये ही जुस्तजू, निकिता में ही उसको मिले खाने पकाने के सारे गुण। उसने ना जाना ये नादानी है, वो रेत को समझा के पानी है, क्यों ऐसा था किस लिए था ये कहानी है। दास्तां है ये कि निकिता के दिल निगाह को टिकटॉक ऐप ही था भाया, इस बात से निखिल के ख्वाबों पर बाबा जी का गुल्लू ही था छाया। टूटे ख्वाबों की उस दास्तां को सभी कहते हैं निकी निकी। सुनने वालों सुनो, ऐसा भी होता है जैसा सोचते हम वैसा नहीं होता है। मेहनत करती थी हसीना, किचन में आया पसीना। आओ तुम भी आज सुन लो, निखिल के ख्वाहिशों को निकिता ही पूरा है कर पाई। संग दिल से दिल लगा के एक दूसरे का हाथ पाके दोनों ने मिलके जोड़ी बनाई। प्रेम कहानी का अब ये फसाना जिसे कहते हैं निकी निकी। क्यों अब ये दोनों समझते नहीं एक दूसरे के लिए है सही, ये जोड़ी वो है जो लगती हंसी, रहेंगे हमेशा ये प्यार में। प्यार जब निकिता को तब था हुआ, जब निखिल उसकी लाइफ में आ ही गया,
एक दूसरे को वो समझ ही गए, मुस्कुराए थे अब वो प्यार में। दास्तां है ये कि आखिर आज इनके प्यार की वो घड़ी थी जो है आ ही गई। कह रही है जिंदगी की वजह ही रही है इनके दिलों में खुशियों की शहनाई। जन्मों की प्यार की ये कहानी जिसे कहते हैं निकी निकी, कहते हैं निकी निकी।